नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा गौर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मानसिक रोग क्या होते हैं, मेंटल इलनेस। जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी भावनाएं, अपनी पर्सनालिटी, मूड अफेक्ट से हटकर कुछ अव्यवहार रखता है तो उसको हम मानसिक इलनेस, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी कहते हैं। इस मानसिक बीमारी के बारे में हम जानते हैं इस छोटे से नुक्कड़ नाटक के जरिए। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं हम। अब चलिए यहाँ से।
चुप रहो तुम सब, हम पागल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है। बस करो तुम सब, उन्हें और दबाना बंद करो। वो किस हालत में है, किस दौर से गुजर रहे हैं, उसका तुम सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या हम उनसे पूछ नहीं सकते कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं? क्या हम उनसे पूछ नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए? क्या हम उनका हाथ थामकर उन्हें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकते? दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या से मरते हैं। हर 20 में से एक व्यक्ति आज डिप्रेशन यानी अवसाद का सामना कर रहा है। आइए हम सब मानसिक समस्याओं को सामान्य बनाते हैं और उनका दूसरी बीमारियों की तरह इलाज करवाते हैं। थैंक यू गर्ल, इट वॉज अ नाइस परफॉर्मेंस। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आज की शाम यहाँ हम सबके इकट्ठा होने की जो वजह है वो ये है कि हम विश्व मानसिक सप्ताह मना रहे हैं और ये एक ऐसा समय है जब हम सभी की दुनिया में, हम जितने भी लोग हैं, खास तौर से हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, तो अब तनाव बहुत ज़्यादा है। हर जगह जहाँ हम देखते हैं, जिसको देखते हैं, स्ट्रेस में नज़र आता है। ये स्ट्रेस अच्छा भी है, बुरा भी है। जहाँ अच्छा है तो एग्ज़ाम में हम पास होने के काम आता है, लेकिन जब ये थोड़ा बढ़ जाता है तो वहीं एग्ज़ाम में फेल करने के भी काम आता है। तो हमें ये समझना है कि इस तनाव से हम कैसे दूर रहें, कैसे हम तनाव मुक्त रहें और मनोरोगों से दूर रह सकें। जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन जीवन जीना, रात को समय से सोना, सुबह समय से उठना, समय पे खाना, एक डिसिप्लिन दिनचर्या रखना, संतुलित आहार लेना जिसमें फल हो, हरी सब्जियां हो, इस तरह की चीज़ें, कुछ बादाम हो दो चार, तो एक संतुलित आहार हमारा बना रहे, ये हमें देखना चाहिए। इससे और सबसे बड़ी बात, इस शरीर को कुछ एक्सरसाइज और व्यायाम भी हमें देना चाहिए। इससे मन, दिमाग और शरीर सभी कुछ स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जैसा अभी नुक्कड़ नाटक में बच्चों ने बताया कि हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें मानसिक तनाव, मनोरोग, किसी भी बीमारी या परेशानी के लिए आगे आना है और अपने निकटतम मनोरोग चिकित्सक से, मनोविश्लेषक से मिलना है, अपनी परेशानी साझा करनी है, ताकि हम जल्द से जल्द उस चीज़ से उभर सकें और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें, सफलता की ओर बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।